नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा शंकर फिर स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल राशि उपचार में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जन्म तिथि से कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों सभी लोग चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर उनकी पसंद का ही मिले, बस इसी ख्याल से व्यक्ति के सपने बुनते रहते हैं और साथ ही यह भी आशंका रहती है कि जिसे वो चाहते हैं वो उसे मिलेगा भी या नहीं। अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति अपने मूलांक या अपनी बर्थ डेट से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मूलांक एक वालों का लव मैरिज या अरेंज मैरिज। दोस्तों जिन व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 व 28 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक एक होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जिस कारण ये प्यार तो कर लेते हैं लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाते। ऐसे में इनके लिए लव मैरिज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मूलांक दो वाले लोग, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 व 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक दो होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग काफ़ी सोच समझकर ही प्यार करते हैं और प्यार हो जाने पर अपने ही पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, अतः मूलांक दो वाले व्यक्तियों की अधिकतर लव मैरिज होती है। मूलांक तीन वाले लोग, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक तीन होता है। माना जाता है कि अक्सर ऐसे लोग लव मैरिज के मामले में काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। मूलांक तीन अंक गुरु का प्रतीक माना गया है, जिस वजह से ये लोग जीवन में लव मैरिज में सफल होते हैं। मूलांक चार वाले लोग, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को होता है तो उनका मूलांक चार होता है। ऐसे लोग बहुत आसानी से प्यार में नहीं पड़ते, लेकिन जब भी ये किसी से प्यार करते हैं तो उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए इन लोगों की काफ़ी हद तक लव मैरिज की संभावना रहती है। मूलांक पाँच वाले लोग, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को होता है तो उनका मूलांक पाँच होता है। बता दें कि पाँच अंक बुध का प्रतीक होता है। इन लोगों का झुकाव अपने परिवार की ओर अधिक रहता है, इसलिए ये लोग अपने परिवार की सहमति से ही शादी करना पसंद करते हैं। यही नहीं, यदि ये किसी को पसंद करे भी तो अपने परिवार की सहमति ज़रूर लेते हैं। मूलांक छः वाले लोग, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 6, 15 व 24 तारीख को होती है तो उनका मूलांक 6 होता है। 6 अंक शुक्र का प्रतीक माना जाता है, जो कि प्रेम संबंधों का कारक ग्रह है, अतः मूलांक 6 वाले लोग लव मैरिज में सफल होते हैं। मूलांक 7 वाले लोग, अगर आपका जन्म महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होता है। ऐसे लोग थोड़े स्वभाव से थोड़े संकोची अर्थात शर्मीले होते हैं, जिस कारण ये अपने प्यार की पहल नहीं कर पाते हैं और ऐसे में इनके लव मैरिज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मूलांक 8 वाले लोग, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 होता है। इस अंक का प्रतीक शनि ग्रह को माना जाता है। 8 मूलांक वाले लोग पहले तो प्रेम संबंधों में नहीं पड़ते, लेकिन अगर हाँ यदि एक दो बार किसी से प्रेम कर ले तो उनसे शादी करने में भी सफल रहते हैं। मूलांक 9 वाले लोग, दोस्तों अगर आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक 9 होता है। इस अंक वाले लोग अपने हर डिसीजन में अपने घर वालों से सहमति लेते हैं और शादी में भी ये लोग अपने परिवार की सहमति लेना नहीं भूलते, जिस कारण इन तिथियों में जन्म में अधिकतर लोग अरेंज मैरिज करते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसे आप जान सकते हैं जन्म तिथि से अपने लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में। आपकी तिथि क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों से वीडियो ज़रूर शेयर करें। देखते रहिए राशि उपचार।